मोदी के मित्र है उसका, तो उसे अमेरिका भेज के दिखाइए और यहाँ कार्यवाही करे मोदी। वोट तो हम देते ही नहीं है, कहाँ से जीत रहे हैं ये अडानी, बच्चों की नौकरी खरा केला, क्या इतने मालदार यही हो गए, गरीब गरीब रह रहे हैं। मोदी खराब है आदमी, किसानों का पैसा रिप रहा है। हरियाणा में बेईमानी से जीते, अभी महाराष्ट्र जीत गए बेईमानी से। हमारे बच्चे लिखे पढ़े घूम रहे हैं, हमारे बच्चे सैकड़ों लिखे मरे हमारी बस्ती में, बताओ किसको नौकरी मिली। फार्म भरते हैं, सारे फार्मों के पैसे ले लेते हैं। नरेंद्र मोदी नहीं है, सही नहीं है, खराब है, सही है, सही है। आज बात आती है जब बेरोजगारी की, तो कोई दंगा करवा के, धर्म पर दंगा करवा के, किसी और पर दंगा करवा के ये मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं। ये मोदी जी की जो वन साइडेड पॉलिटिक्स चल रही है, सिर्फ देश के बिजनेसमैनों को वो बस सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है, संसद के अंदर जहां अडानी के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा मचाया हुआ है, वहीं मैं आपको बता दूं कि दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी अडानी के मुद्दे पर सड़कों पर आ उतरी है। कांग्रेस पार्टी के युवक कार्यकर्ता आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सड़कों पर आ उतरे हैं और अडानी को गिरफ्तार करने की मांग के साथ साथ ये सभी लोग अब आप सड़कों पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हर जगह ये सभी लोग बैरिकेड्स के ऊपर चढ़े हुए हैं और अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आइए लोगों से जानते हैं लोगों क्या कुछ कहना है। क्या कुछ कहेंगे मैम, अडानी पहले भी अडानी घिरे थे विवादों में लेकिन वो गिरफ्तार हुए नहीं। ये मोदी जी की जो वन साइडेड पॉलिटिक्स चल रही है, सिर्फ देश के बिजनेसमैनों को वो बस सरकार चलाने का काम कर रहे हैं उनके बल पर। तो आज पूरे विदेश में यदि हम कहा जाए यूएसए द्वारा उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका, लेकिन वो भारत जैसे देश में सुरक्षित है वो व्यक्ति, तो आज अडानी की गिरफ्तारी के लिए भारत का एक एक नागरिक मांग करता है कि अडानी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, क्योंकि हम देश को बिकने नहीं दे सकते, देश को गुलाम होते नहीं दे सकते और देश को आने वाले समय में एक अच्छी दिशा में ले जाने का काम करें। मैम इधर क्या कुछ कहेंगे, एक तरफ संसद का सत्र चल रहा है वहां पर अडानी को घेरने का काम किया जा रहा है, अब यहां पर कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतर गए, कितना प्रभाव पड़ेगा अडानी के मुद्दे पर? देखिए इसका प्रभाव 100% पड़ना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश के पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और 2014 में जब से मोदी जी आए हैं तब से जो बेरोजगारी का दर हमारे देश में बढ़ा है जो कि 7 और 8 पे पहुंच चुका है, जो कि 2014 के पहले 4 या 3 पर था, तो हम लोग सबसे ज्यादा चिंतित इस पे हैं। और जो मोदी सरकार ऐसी योजनाएं लेकर आ रही है जैसे कि अग्निवीर योजना, जिसका कोई कहीं से कहीं तक कोई सही रिजल्ट नहीं निकला है, तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग तो कंटिन्यूसली हर महीने 2 महीने में यहाँ पे स्टेट यहाँ पे राजधानी में आके प्रोटेस्ट करते हैं और साथ ही अपने गांव घर पंचायतों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है यहाँ पर अडानी के मुद्दे पर अब लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं, यहाँ पर कुछ युवा भी आप देखिए हाथों में अपने पोस्टर और बैनर लिए हैं कि अडानी को गिरफ्तार करो। और भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे अडानी के मुद्दे के बारे में, जानते हैं कि क्या कुछ है जी, क्या क्या आपको लगता है? बोलना चाहता हूँ कि गिरफ्तार करो, मोदी खराब है आदमी, किसानों का पैसा रिप रहा है। इतने अगर खराब होते तो अभी देखो हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में जो है मोदी जी जीत गए, उनकी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की है, हरियाणा भी जीत गए, तो फिर भी आप कह रहे हैं मोदी जी की सरकार बेकार है? नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं है, सही नहीं है, खराब है। कौन सही है? सही है राहुल गांधी, अगर उनका नेतृत्व इतना अच्छा होता तो और जगह जीत के आती ना कांग्रेस पार्टी। कॉन्फिडेंस से बोल बढ़ते यार। चलिए वहाँ पर देखिए, आपको मैं कुछ तस्वीरें वहाँ पर उस तरफ दिखाती हूँ, ये देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता जो है यहाँ पर अडानी के को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। हाँ जी मैडम, क्या आप कुछ कहेंगे, यहाँ पर किस लिए आई हैं? हम आए हैं अपने बच्चों की नौकरी बचाने के लिए, हमारे बच्चों की नौकरी अडानी खा गया है, हर जगह बेईमानी से जीत रहे, क्यों जीत रहे हैं? वोट तो हम देते ही नहीं है, कहाँ से जीत रहे हैं ये, कहाँ से जीत रहे हैं? आप ना देते और लोग तो देते होंगे। कौन देता है, हमारी बस्ती में तो किसी ने वोट नहीं दी, कहाँ से वोट जाती है? सारी इस पे चल जाती है, कहाँ से जाती है वो, कहाँ से वोट जाती है? अब लोग अच्छे काम कर रहे हैं, कहाँ से वोट जाती है? क्या अच्छे काम कर रहे हैं? एक नौकरी नहीं मिली बच्चों को, हमारे बच्चे लिखे पढ़े घूम रहे हैं, हमारे बच्चे सैकड़ों लिखे मरे हमारी बस्ती में, बताओ किसको नौकरी मिली? फार्म भरते हैं, सारे फार्मों के पैसे ले लेते हैं, गरीब आदमी कैसे कैसे फार्म भरता है, कहाँ से? एक बच्चा नौकरी पर नहीं है, बताओ कहाँ से रिश्वत दें? रिश्वत कहाँ से दें? हमारे पास रिश्वत है,
बताओ कहाँ से रिश्वत दें, आप बताओ ना इस बात को, आप बताइए ना, आप बताओ ना। ये बताइए, आपको नहीं लगता जो सरकार ये बोलती है कि भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ऐसी सरकार में भी आप कह रहे हैं कि रिश्वत देने की जरूरत पड़ रही है? भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, हरियाणा में बेईमानी से जीते, अभी महाराष्ट्र जीत गए बेईमानी से। ये कह रहे थे विपक्ष जीत नहीं पाता, 20-50 आदमी रहे, 50 हमारे दो तो वोट नहीं थे, विपक्ष जीत नहीं पाता इस वजह से आप कह रहे थे ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देते। वो बात तो दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है, क्यों नहीं देख रहे? अगर अडानी को बचाना तो घोटाला वहाँ पे करके आए, वहाँ पे वारंट हो रखे, क्यों नहीं आते? गिरफ्तार करो इन्हें, क्यों नहीं करते बताओ, क्यों नहीं करते? अडानी बच्चों की नौकरी खरा केला, क्या इतने मालदार यही हो गए? गरीब गरीब रह रहे हैं, अमीर अमीर हो गए। कंपनियां खोलते तो अकेले कंपनी थोड़ी ना चलाएंगे, और लोगों को भी तो ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं? अपने को लेंगे, किसको लेंगे? उनको लेंगे जो उनके बच्चे हैं, हमारे हमारे बच्चों को तो एक हमारे बच्चा हमारे इतने बड़ा गाँव है एक भी है, अडानी को एक बच्चे को भी नहीं लिया, किसको लिया? आपके बच्चों को लिया, आपके भाई को लिया, किसको लिया? तो आपको लगता है कि सिर्फ अडानी जी अपना विकास कर रहे हैं? ना, अपना और कर रहे हैं? नहीं हो रहा, अपना कर रहे हैं, ये लोग अपना पेट भर रहे हैं, कोई किसी का पेट नहीं भर रहा। ठीक है, हाँ। तो क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर अडानी की गिरफ्तारी के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं? इससे पहले भी कई आरोप अडानी पर लग चुके हैं, गिरफ्तार लेकिन हुए नहीं है। देखिए, हम राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले से आए हैं, और हम उदय भानु चीफ जी के नेतृत्व में जो भारत देश में मोदी जी 2014 के बाद जो बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा, आज युवा देख लीजिए आप, सड़कों के लिए आप बेरोजगारी दर है वो देखिए आप, 2014 में क्या थी और आज क्या है। और अमेरिका की जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी पहले, उसमें भी अडानी के खिलाफ रिपोर्ट आई थी, लेकिन मोदी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। पर आज जो रिपोर्ट आई है यूएसए में, अरेस्ट करने का वारंट गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है उसके लिए। यदि हिम्मत है, मोदी का मित्र है उसका, तो उसे अमेरिका भेज के दिखाइए और यहाँ कार्यवाही करे मोदी। क्यों इन बेरोजगार लोगों को, इन युवाओं को, युवाओं के साथ अन्याय को क्यों कर रही है बीजेपी सरकार, इस भाजपा सरकार को, युवा कांग्रेस? जब तक हम सब एक हैं, ये एक नारा देते हैं, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है का अर्थ है कि अडानी के लिए सभी गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी मंत्री एक साथ लगे हुए हैं अडानी को बचाने के लिए। आज बात आती है जब बेरोजगारी की, तो कोई दंगा करवा के, धर्म पर दंगा करवा के, किसी और पर दंगा करवा के ये मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं। आप 2014 के बाद देख लिए, 2024 तक जो कार्य अभी तक हुआ है वो आप सभी देखिए। अडानी के मुद्दे पर एक तरफ संसद चल रही है, वहाँ हंगामा चल रहा है, वहाँ पर जमकर विपक्ष जो है वो सत्ताधारी पार्टी पर बरस रहा है, लेकिन क्या लगता है अडानी पर पीएम मोदी और उनकी पार्टी जवाब देगी? पीएम मोदी और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अडानी जी को बचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अडानी जी चुनाव के अंदर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और अडानी के कारण ही भारत देश की जो छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खराब हो रही है। जिस तरीके से अपने पक्ष में अनबन करवाने के लिए सौर ऊर्जा का और रिश्वत का खेल चल रहा है, इससे देश के अंदर अनियमितता की जो स्थिति है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर हो रही है। आज हम युवा कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन करके यही मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस पे संज्ञान ले और अडानी जी पे कार्रवाई करे, ताकि देश के अंदर और एक ईमानदार की स्वच्छ और जो अनियमितता की जो छवि है वो सही हो सके और स्वच्छ छवि बन सके। ठीक है, तो देखिए एक तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, उधर उस तरफ पुलिस खड़ी हुई है और यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जाने नहीं दिया जा रहा, पुलिस बल भी पूरी की पूरी तरीके से तैनात है। एक तरफ संसद के अंदर शीतकालीन सत्र चल रहा है, ये तस्वीरें आप देखिए, आगे की ओर बढ़ने की कोशिश यहाँ पर कार्यकर्ता कर रहे हैं, बैरिकेड्स को तोड़कर या कहे कि आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन अभी पुलिस जो है आगे की तरफ मौजूद है और पुलिस जो है उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। ये देखिए, इधर देखिए आगे की तस्वीर है, ये आगे तो जाने नहीं दे रहे आप, ये इनका डर है जो हमें आगे नहीं जाने दे रहे, बट हम आगे जाके रहेंगे। तो यहाँ पे अभी आप कुछ देर पहले जो ये तस्वीरें देख रहे थे, कुछ कार्यकर्ता वहीं पर जमे हुए हैं, लेकिन यहाँ से पुलिस ने अब कार्यकर्ताओं को पीछे की तरफ कर दिया है और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। और उस तरफ मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ कि कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया जा रहा है।
और ये तस्वीर है उस तरफ आप देखिए, कुछ कार्यकर्ताओं को अब डिटेन वहाँ से किया जा रहा है, बसों में भरकर अब उन कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं, हम बैरिकेड्स के इस तरफ मौजूद हैं और पुलिस ने यहाँ से पूरी बैरिकेडिंग की हुई है अडानी के मुद्दे पर। अब कांग्रेस पार्टी लगातार जो है वो सरकार को घेर रही है, लेकिन आप ये तस्वीरें तमाम देख सकते हैं कि उस तरफ कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है, अब वो जो बस थी उसे भी वहाँ से ले जाया जा रहा है। मीडिया के तमाम कैमरों के पीछे आप उस बस को भी देख पा रहे होंगे अपनी इन तस्वीरों के अंदर, और ये पुलिस पूरा यहाँ पर तैनात है। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड्स के इस तरफ थे, कुछ बैरिकेड्स के उस तरफ थे, और अडानी के मुद्दे पर संसद का एक तरीके से जो घेराव है वो करने की कोशिश थी, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश थी, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया,